नाज़िम, जिला बांडीपोरा में आज दिल को दहलाने वाला एक वाक़ा रोनुमा हुआ, जिसमें एक 55 साल शख्स की मौत वाक़ा हुई। नाज़िम, हर साल रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों खानदान अपने माल मवेशी समेत जिला बांडीपोरा का रुख करते हैं और यहाँ मौजूद बैखों में अपना माल मवेशी पालते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कई ऐसे खानदान बांडीपोरा पहुंचे और यहाँ खैमाजन होके माल मवेशी पालने लगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बैखों में काफी तादाद में बीरून रियासत के बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले खानदान और जिला बांडीपोरा के मकामी गुजर खानदान एक साथ खैमाजन होके अपना माल पालते हैं। नाज़िम, कल शाम को जब एक बकरवाल खानदान अंद्रवट राजौरी से बांडीपोरा में मौजूद खर्ची बहक पहुंचे और जो ही वो अपना खेमा नसब करने लगे, अचानक वहां मौजूद एक मकामी गुजर खानदान के अफराद ने उन्हें रोका। इस तरह पहले मामूली बातचीत तलख कलामी में तब्दील हो गई और देखते ही देखते इस तलख कलामी ने एक संगीन झगड़े की शक्ल इख्तियार की। एनी शाहदीन के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग हो रही है और दोनों जानिब से कुल्हाड़ियों और दीगर नोकीली चीजों का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसके नतीजे में बकरवाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला 55 साल शख्स मोहम्मद इकबाल कलास साकिन अंद्रवट राजौरी इतना जख्मी हुआ कि वो जख्मों की ताब न ला सका और उसकी मौत वाका हुई। जबकि इसके अलावा इसी खानदान के चार दीगर अफराद नहायत ही जख्मी हो गए और उन्हें नीम मुर्दा हालत में जिला अस्पताल बांडीपोरा मुंतकिल किया गया, जहां एक जख्मी को जख्मों की हालत के पेश नजर श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बकरवाल खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि उन सब की जान खतरे में है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ना ही जिला इंतजामिया और ना ही पुलिस की जानिब से उन्हें कोई मदद दी जा रही है, जबकि वो सुबह से लाश लेकर बैठे हैं और मुलजमीन खुलेआम बिना किसी खौफ और डर के आराम से आजाद घूम रहे हैं। ताहम लाजिम पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मुलजमीन की तलाश शुरू कर दी है। चल रहे थे सर, उधर हमारा माल मवेशी और बच्चे थे, वो फाके आ गए थे, उधर हमने डेरा रखवाया और खाने के लिए, तो वहाँ गुजरे ने हमला किया हमारे पर, तो मार दिया समाइल गुजर के परिवार ने। अब हमारा एक उधर ही मार दिया, चार जख्मी कर दिए। अब फिर हमारा वो डेड बॉडी है जो वो नहीं उठान दिया, अब दोनों गुजर आए, उन्हें अमदाद किया तो वो डेड बॉडी है जो वो उठाकर एक साढ़े बारह बजे हमारे हवाले कर दिया। ढाई घंटे उन्होंने पैरा किया, उन्होंने कोई हमको मौका नहीं दिया हमारे वो जो मर गया उसको उठाने के लिए, बोलते थे सबको मार कर यहाँ खत्म कर देंगे, वो नाले में फेंकेंगे, नाले में फेंकेंगे। और हम रात 6 बजे यहाँ पहुँचाए, 6 से इस वक्त 11:30 बज गए, कोई हुकूमत ने कार्रवाई नहीं किया, उनको ना पकड़ा। हमारे बच्चे और बीवी यहाँ रोड में फाके मार रहे हैं, कोई हुकूमत ने कोई हमारे वास्ते मुसाफिरों वास्ते कोई दौलत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इंसाफ चाहिए, हम क्या मानते हैं, इंसाफ चाहिए, जो कातिल हुए उनको सजा देना चाहिए, सजा मौत देना चाहिए, हमारा यही कहना है। मेरा लाला, मेरा लाला किसे बखेरे दे बोल ना, मेरा लाला किसे बखेरे दे बोल ना।